तमाम दोस्तों को जुवेद इकबाल की तरफ से, अल मौज़म इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी पैनल पे तमाम वीडियो से हटके वीडियो है, थोड़ी डिफरेंट वीडियो है, डिफरेंट फॉल्ट आया है, तो आए चलते दोस्तों वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, ये इको स्टार का पीस है। सबसे पहले मैं दोस्तों से इसका फॉल्ट जो है वो शेयर करना चाहूँगा, ताकि फॉल्ट पे हमें पता चले कि फॉल्ट है क्या। ये दोस्तों बाकी सारी वीडियो से इस पैनल में हटके फॉल्ट है। ये देखें दोस्तों, पिक्चर आ गई है, लाइनें बन रही हैं इसमें। ये दोस्तों, ये फॉल्ट है एलसीडी में। इंशाल्लाह ताला दोस्तों आज इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं थोड़ा क्लोज़ करके दोस्तों को दिखाना चाहूँगा कि ये देखें, इस एलसीडी में जो इको स्टार की है, हमारा जो टी कोन है वो कार्ड के अंदर बना हुआ सारा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं क्लोज़ करके दोस्तों को दिखा रहा हूँ, हमारा जो टी कोन है वो ये हिस्सा जो है ये टी कोन का बना हुआ है। तो फॉल्ट हमारा टी कोन में ही है, ये टी कोन में दोस्तों फॉल्ट है इसमें, या इतने इतने हिस्से में फॉल्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों जितने भी वोल्टेज हैं हमारे, VGH, VGL, VCOM, ABDD, VDD, ये सारे दोस्तों पहले चेक करेंगे, क्लियर करेंगे कि कौन से वोल्टेज प्रॉब्लम कर रहे हैं हमारे। मैं दोस्तों को थोड़ा क्लोज़ करके दिखाऊंगा। जी दोस्तों, ये मैंने समझाने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए बिल्कुल क्लोज़ कर लिया बोर्ड के कैमरे को। तो दोस्तों पीस चल रहा है मेरा इस वक्त। सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज में दोस्तों ये सारा टीकोन इसका बोर्ड के ऊपर बना हुआ है, ये टीकोन दोस्तों बोर्ड के ऊपर बना हुआ है, सारे टीकोन बोर्ड के ऊपर बना हुआ है। तो ये पिन को मैं ग्राउंड करूँगा, और सबसे पहले दोस्तों हमारा जो वोल्टेज है ये वो, ये देखें दोस्तों, ये VGL है, ये VBC सबसे पहले चेक करते हैं, VCC 3.3, ये बिल्कुल ओके आ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों VGL आ गया हमारा 0.4, 0.9, ये दोस्तों, ये दोस्तों बिल्कुल ये VGH वोल्टेज हैं दोस्तों, ये भी ओके आ रहे हैं हमारे। ये देख सकते हैं दोस्तों 26 पॉइंट आगे पॉइंट आ रहे हैं, 26 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों। ये VGL वोल्टेज जो हैं दोस्तों ये प्रॉब्लम कर रहे हैं हमारे। ये देखें दोस्तों 0.4 बंद हो गया वोल्टेज, जैसे आगे स्क्रीन आ रही है ये वोल्टेज पे स्क्रीन आ रही है, और जैसे वोल्टेज बंद हो रहे हैं आगे वर्टिकल बार बन रही है हमारी। उसके बाद दोस्तों VCOM वोल्टेज हैं, ये देखें दोस्तों, ये 26 वोल्ट VCOM पे, 26 वोल्ट शो हो रहे हैं VCOM पे। मैं दोस्तों को दिखाना चाहूँगा 26 वोल्ट, जबकि यहाँ पे दोस्तों हमारे 5 वोल्ट होने चाहिए, ये 3.3, उसके बाद वोल्टेज बंद हो गए। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको दोस्तों क्लियर करने के लिए मैं सप्लाई को बंद करूँगा इधर से, और ये दोस्तों DC to DC IC लगा हुआ है, DC to DC जो हमारा बूस्ट IC है ये। इसको मैं दोस्तों पहले क्लीन करूँगा सबसे पहले, क्योंकि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा है। मेरी दोस्तों कोई प्लान वीडियो नहीं होती, नेचुरल तरीके से कोशिश करता हूँ मैं दोस्तों को दिखाने की, वीडियो बनाने की, ताकि कोई भी दोस्त काम करे तो उसको परेशानी ना हो काम करने में। IC को मैं दोस्तों नीट करूँगा, काफ़ी कार्बन है इसमें, कार्टन का इस्तेमाल करना है दोस्तों, कार्टन का। इसको दोस्तों बिल्कुल नरम हाथ से करना है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना कि IC टूट जाए आपका। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ दोस्तों के साथ और शेयर करना चाहूँगा,
ये हमारा पैनल का जैक लगा हुआ है, इसको हम पत्ते को उतार देंगे। अब दोस्तों उतारने के बाद एक चीज़ यहाँ पे क्लियर क्या होगी जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा से पीस को ऑन करूँगा। और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि अगर हमारे दोबारा से वोल्टेज अप डाउन होते हैं, ये VGH आ गए, मीटर को ऑन करूँगा मैं, ये दोस्तों VGH वोल्टेज हमारे आ गए 26 वोल्ट, बिल्कुल ओके हैं। उसके बाद दोस्तों ये वोल्टेज हमारे VGL आ गए, ये दोस्तों मैंने अभी नीट क्लीन किया है तो हमारे वोल्टेज जो हैं वो स्टैंड बाय हो गए हैं, जो कि अप डाउन हो रहे थे। ये वी कॉम पे वोल्टेज हमारे अप डाउन 26 वोल्ट आ रहे थे, वो दोस्तों वैसे के वैसे ही हैं, माइनस वोल्ट आ गए, 26 वोल्ट आ गए। इसका मतलब ये है कि फ्रंट पे अभी भी हमारे प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा ये दोस्तों जैक मैंने उतार दिया है इसका, ये वाला, इसका मतलब ये कि आगे पैनल में हमारे कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोस्तों देखें वी कॉम पे वोल्टेज जो है हमारे वो अभी भी प्रॉब्लम दे रहे हैं हमें, -26, ओ सॉरी 26 वोल्ट, -4 वोल्ट, कभी वी जी एल वोल्ट शो हो रहे हैं, कभी वी जी एच वोल्ट शो हो रहे हैं, ये 26 वोल्ट। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि अभी भी वो, ये हमारा एक तो हमारा जो आगे वाला सेक्शन है पैनल, इसका मतलब ये कि ये ठीक है, मसला हमारा आ रहा है ये टीकोन में। तो इसको दोस्तों मैं आईसी को क्लीन किया मैंने, ये दोस्तों मैग्नीफाई से मैंने थोड़ा सा देखा, इसमें कार्बन अभी भी मुझे शो हो रहा है, नज़र आ रहा है। ये दोस्तों एक केमिकल मैंने खुद बनाया हुआ है आईसी को नीट करने के लिए, क्लीन करने के लिए। इसे भी दोस्तों इसमें जितना कार्बन है, जितना कचरा है, सारा ख़त्म हो जाएगा और निकल जाएगा इससे। दोबारा से काटन का इस्तेमाल करूंगा मैं दोस्तों, इसको दोस्तों थोड़ी सी मैं हीट दूंगा आईसी को, ताकि जो नमी वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी इससे, हीट से। इसको मैं सप्लाई दूंगा, मीटर को पास रखूंगा और दोबारा से दोस्तों इसके वोल्टेज हम चेक करेंगे। तीस हमारा पैनल ऑन हो गया और ये दोस्तों फिर वही हमारे वोल्टेज VGH बिल्कुल ओके वोल्टेज हैं दोस्तों, VGL बिल्कुल ओके वोल्टेज हैं दोस्तों, और ये वोल्टेज दोस्तों स्टैंड बाय हो गए हैं, मतलब जो हमारे वोल्ट अप डाउन हो रहे थे वो बिल्कुल स्टैंड बाय हो गए हैं। ये वी कॉम वोल्टेज दोस्तों 6.19, 6 वोल्ट बिल्कुल स्टैंड बाय हो गए हैं। यहाँ पे दोस्तों 80% जो है उम्मीद है कि पैनल हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है। तो मैं दोबारा से इसका जैक लगाऊंगा,
जी दोस्तों, तो हम इसको सप्लाई दे के पैनल को चेक करते हैं, आया हमारा फॉल्ट जो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये दोस्तों मैंने पैनल को सप्लाई दे दी है और ये हमारा पीस जो है ये, जी दोस्तों मैं दोस्तों को दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल ओके ऑन हो गया। जी दोस्तों ये देखें, डिस्प्ले बिल्कुल ओके हो गया है और पैनल हमारा बिल्कुल ओके ऑन हो चुका है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने दोस्तों को समझाने की कोशिश की है, रहनुमाई करने की कोशिश की है, आसान से आसान लफ्ज़ों में दोस्तों की जी है। दोस्तों, तो आपने देखा पैनल में आज एक डिफरेंट फॉल्ट आया था जो दोस्तों से मैंने शेयर किया है। इंशाल्लाह ताला दोस्तों की रहनुमाई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए जावेद इकबाल को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।